क्या राजनीति में होते हैं षड्यंत्र या षड्यंत्रों से शुरू होती है राजनीति? मैं बताऊंगा आपको राजनीति के पीछे की बात। देखिए मेरे साथ रफ्तार न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर एक तरफ जहां देश में हंगामा मचा हुआ है, जिसके चलते देश और प्रदेश की सरकारें महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर गंभीर है, लेकिन वही यूपी के बागपत की पुलिस वाहवाही लूटने में जुटी हुई है और मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घिनौनी वारदात के मामले में न्यायालय में सजा सुनाई जाने के बाद सरकार से मिले सम्मान के बाद अपनी पीठ थपथपाकर वाहवाही लूटी रही है और मासूम बच्ची के मामले में मिली धनराशि से गदगद यूपी पुलिस जश्न मनाकर दावत भी खा रही है, जो कि लोगों में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर उस मासूम बच्ची के परिवार को तो न्याय के अलावा कुछ नहीं मिला, तो बागपत पुलिस को ऐसा क्या मिल गया कि दुष्कर्म पर दावत उड़ाई जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो माहौल आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाओगे कि शादी समारोह का जश्न है या कुछ और, क्योंकि यहाँ पर समारोह तो जरूर हो रहा है और शादी जैसा माहौल भी है, क्योंकि प्रोग्राम ही जब एक विवाह मंडप में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर ना तो बारात है और न ही कोई दूल्हा। दरअसल ये प्रोग्राम यूपी पुलिस की तरफ से आयोजित किया गया प्रोग्राम है, जिसमें पुलिस वालों और स्थानीय नेताओं को योता दिया गया है, क्योंकि बागपत पुलिस को यूपी सरकार की तरफ से मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म के एक मामले में जिला न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने बाद थाना छपरौली की पुलिस को कुछ दिन पूर्व सम्मानित कर 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। तब से ही वाहवाही लूटने के लिए जिले की पुलिस ने आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि पहुंचे एसपी बागपत प्रताप गोपेंद्र यादव ने मंच से पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। तो वही इस दौरान चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने, क्यों इस कार्यक्रम में मासूम बच्ची के साथ हुई वारदात के मामले में सजा के बाद आज पुलिस कर्मियों ने जमकर दावत भी खूब उड़ाई गई, जबकि पीड़ित परिवार को तो कार्यक्रम में बुलाया तक भी नहीं गया, जो कि लोगों के बीच अब एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि पीड़ित परिवार को न्यायालय से तो न्याय मिला और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन बागपत जिले की पुलिस को ऐसा क्या मिल गया जो पुलिस जमकर जश्न मनाकर रसगुल्ले और दावत खा रही है, जबकि जिले के आला अधिकारी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा के मामले पर पूरा राग गलाप रहे हैं। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर एक तरफ जहां देश में हंगामा मचा हुआ है, जिसके चलते देश और प्रदेश की सरकारें महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर गंभीर है, लेकिन वही यूपी के बागपत की पुलिस वाहवाही लूटने में जुटी हुई है और मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घिनौनी वारदात के मामले में न्यायालय में सजा सुनाई जाने के बाद सरकार से मिले सम्मान के बाद अपनी पीठ थपथपाकर वाहवाही लूटी रही है और मासूम बच्ची के मामले में मिली धनराशि से गदगद यूपी पुलिस जश्न मनाकर दावत भी खा रही है, जो कि लोगों में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर उस मासूम बच्ची के परिवार को तो न्याय। शकील अहमद, एडवोकेट हूँ। वकील साहब, पुलिस ने एक मामले में सजा होने पे जी जश्न मनाया, जिसमें जुडिशरी को अलग रखा गया जी, क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत है। प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया, ठीक था, उनका काम था वैसे, उनका बल्कि जो पीड़िता थी आर्थिक सहायता उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए थी, पीड़िता को, उनके परिजनों को उपलब्ध करानी चाहिए थी। पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस को तो एडवोकेट एक्ट का और आईपीसी सीआरपीसी का पालन करना ही है, उन्हें सैलरी मिलती है, बड़े अच्छे अच्छी तरीके से सैलरी मिलती है, तो ठीक नहीं लगता। नैतिकता ये थी कि वो पुलिस जो है उनको परिजनों को बुलाती, उन्हें समारोह में बुलाती, उनको उनका हौसला अफजाई करती, उनको दिलासा देती उनको, तो पुलिस का रवैया ठीक नहीं लगा कि इस तरह जश्न मनाया जाए, इस तरह लगातार वो जो है डांस किया जाए, इस तरह जो है तो ठीक नहीं लगा, एक समाज के हिसाब से ठीक नहीं लगा। यहाँ पर सम्मान समारोह हुआ है तो गृह मंत्रालय से कैसा आया था? ये आपको संज्ञान में होगा, इसके पहले भी आपकी जानकारी में आया होगा कि छपरौली थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, एक छोटी बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, 3 वर्ष की बालिका के साथ। उसमें रिकॉर्ड टाइम में मात्र 5 दिन में अभियोजन की तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से पैरवी करते हुए उसमें सजा करवाई गई थी, आजीवन कारावास और 1,00,000 उस पर जुर्माना हुआ था। तो उससे सरकार ने प्रोत्साहन के लिए 50,000 रुपये की टीम को, पूरी टीम जो हमारी विवेचकों की टीम है, उसके लिए 50,000 का इनाम किया था।
आज उसी इनाम के वितरण के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसमें जो विवेचक टीम थी उसमें थाना अध्यक्ष छपरौली जो दिनेश सिंह हैं वो हैं, और प्लस एसआई रमाला हैं रणधीर सिंह, और गजेंद्र सिंह जो टाडा चौकी इंचार्ज हैं। इन लोगों ने अच्छी भूमिका निभाई थी उस पूरे प्रकरण में, सजा दिलवाने में, गिरफ्तारी करवाने में और गवाही करवाने में। तो उस पूरी टीम को ये जो 50,000 रुपये का इनाम है उसका वितरण किया जाएगा, उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। देखिए इसको सम्मान कार्यक्रम तो नहीं कह सकते, ये एक तरीके का प्रोत्साहन है लोगों से मिलने के, पब्लिक के सामने ये चीज़ें जाए कि अच्छे काम हो रहे हैं, और ख़ास करके जो बच्चियों से संबंधित अपराध हैं या महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उसमें सरकार की प्राथमिकता क्या है, उसमें गंभीरता क्या है, और अच्छी कार्रवाई करने पर प्रोत्साहित भी किया जाएगा और अच्छी कार्रवाई ना करने पर दंडित भी किया जाएगा, वो दोनों बात है। लोगों को किस तरह मोटिवेट किया गया कि किस तरह? देखिए अभी तो कार्यक्रम शुरू ही हो रहा है, अभी हम लोग इसके बाद वहाँ पर जाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। आप लोग चाहे तो रिकॉर्ड, छोटी सी एक गेट टुगेदर है तो उसमें सारी चीज़ें हैं।